और इसे बनाया है जर्मन टोरिंग कंपनी 999. What is speed? Speed is one of the most important features of a car. इसीलिए जो कंपनियां हाइपर कार्स और स्पोर्ट्स कार्स बनाती हैं वो अपनी कार्स में हर साल इम्प्रूवमेंट करती हैं ताकि वो इतिहास रच सकें और सुर्खियों में बनी रहें. सो जिन कार्स की आज हम बात करने वाले हैं वो कार्स भी इसी पर्पस के लिए बनी हैं और इस पर्पस में सक्सीड भी हुई हैं. सो लेट्स टेक यू फॉर अ राइड ऑफ द टॉप 10 फास्टेस्ट कार्स ऑफ द वर्ल्ड 2020. So friends, let's talk about speed and cars. So 10th spot पर जो गाड़ी है उसका नाम है Koenigsegg Regera. Koenigsegg Regera जो कि एक limited production है जिसे बनाया है Swedish automobile manufacturer Koenigsegg ने. Regera को एक practically luxurious grand touring hypercar के तौर पर design किया गया है. Regera की जो total power report की गई है वो है 1792 horsepower और top speed है 410 kilometers per hour. Last year इस car ने 0 to 400 और 400 to 0 का एक नया record बनाया था. वो record था 0 से 400 की speed को touch किया और touch करने के बाद 400 से 0 पे आके stop हो गई. This car did it in 31 seconds. That's a big record. और दोस्तों 9वें स्थान पर भी विराजमान है Koenigsegg. Koenigsegg की Agera R जो कि एक मिड इंजन स्पोर्ट्स कार है, ट्विन टर्बो V8 इंजन से लैस इस कार की एक खासियत है. इस सुपरकार ने 14 सेकंड में 1115 हॉर्स पावर के साथ 0 टू 300 का एक रिकॉर्ड बनाया था जिसे इसने 14 सेकंड में टच किया था और 300 से 0 तक आने में स्टॉप होने में इसको सिर्फ 7 सेकंड का टाइम लगा. ग्रैंड टूरिज्मो 2012 में इस गाड़ी ने 400 किलोमीटर एन आवर का माइलस्टोन प्राप्त किया और जहां तक एक्सेलरेशन का सवाल है ये बीस्ट 0 टू 100 किलोमीटर की स्पीड को टच करने में सिर्फ 2.8 सेकंड्स ही लगाता है और इसकी कीमत है 12 करोड़ रुपए. पोजीशन पे है बुगाटी ग्रैंड स्पोर्ट विटेस जो कि एक कन्वर्टेबल सुपरकार है और फास्टेस्ट ओपन टॉप प्रोडक्शन का टाइटल इस कार से आज तक कोई नहीं छीन पाया है. इस गाड़ी की सिर्फ 92 यूनिट्स ही बनाई गई हैं 0 टू 100 तक बुगाटी वेरोन की ही तरह 2.5 सेकंड्स में और 200 तक 7.3 सेकंड्स में इस ब्यूटी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया था और इसकी कीमत है 16.7 करोड़ रुपीस. और दोस्तों 7वें पायदान पर है 9FF GT9 जो कि एक पॉपुलर कार कंपनी नहीं है. ये कार पूरी तरह से पोर्शे 911 पर बेस्ड है. इस गाड़ी को बनाया है जर्मन ट्यूनिंग कंपनी 9FF ने. 9FF ने ये भी स्टेट किया कि इस तरह की सिर्फ 150 GT9 ही बनाई जाएंगी और जिनमें से सिर्फ 20 कार्स में मोस्ट पावरफुल इंजन होगा. GT9 का प्राइस है 5.32 करोड़ और जिस टाइम पे ये कार लॉन्च हुई थी उसी टाइम पे इसकी सारी क्वांटिटीज सारी इसकी यूनिट्स सोल्ड हो गई थी. दैट्स हाउ पॉपुलर दिस कार हैज बिकम. 1120 हॉर्स पावर इंजन के साथ GT9 ने 0 टू 100 किलोमीटर की स्पीड को टच करने में सिर्फ 2.9 सेकंड्स ही लगाए थे और इस कार की टॉप स्पीड है 409 किलोमीटर पर आवर 409 किलोमीटर एन आवर. Moving on to number 6, and 6th position is acquired by SSC Ultimate Aero. The SSC Ultimate Aero is a mid-engine car और 2007 से 2010 तक इस कार ने fastest car का टैग भी पहना था. SSC Ultimate Aero के रिकॉर्ड को खुद Guinness Book of World Records की टीम ने विटनेस किया था which was 412 kilometers an hour. Packed with twin turbo V8 engine and generating a power of 1183 horsepower, 0 to 100 की स्पीड को टच करने में एरो ने सिर्फ 2.8 सेकंड्स का ही टाइम लगाया था. इस कार को कंपनी ने 5.60 करोड़ के रेट में लॉन्च किया था. दोस्तों एक टाइम था जब बुगाटी वेरोन और अल्टीमेट एरो को एक दूसरे का टफ कॉम्पिटिटर बताया जाता था लेकिन उसके बाद बुगाटी एक और फास्टर वर्जन के साथ आई और हेनेसी और Koenigsegg जैसी गाड़ियों ने अल्टीमेट एरो को बहुत पीछे छोड़ दिया. उसकी परफॉर्मेंस हेनेसी Koenigsegg बुगाटी जैसी गाड़ियों के आगे फीकी पड़ गई.
नंबर 5 इज बुगाटी चिरोन. इस मिड इंजन सुपर बीस्ट को बनाया है फ्रेंच ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बुगाटी ने. मैं जिस बुगाटी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो है चिरोन 2016. इस कार ने रिकॉर्ड्स तोड़े थे. ऑब्वियसली पहला रिकॉर्ड है अ स्पीड ऑफ 420 किलोमीटर एन आवर और दूसरा है 0 to 400 एक्सेलरेशन रिकॉर्ड जो इसने 41 सेकंड्स में कंप्लीट किया था. इस कार ने 0 to 100 टच करने में सिर्फ 2.4 सेकंड्स लगाए थे. 200 की स्पीड को टच करने में 6.1 सेकंड्स. 2016 में बुगाटी ने चिरोन की 200 यूनिट्स को सोल्ड किया for a price of 19 crore each. Our latest Chiron ka price hai 22.8 crore rupees. Number 4 par hai Bugatti Veyron Super Sport. इस गाड़ी के लॉन्च से पहले अल्टीमेट एरो और वेरोन में टाई हुआ था. 1200 हॉर्स पावर और इम्प्रूव्ड एरोडायनामिक्स की मदद से वेरोन सुपर स्पोर्ट की टॉप स्पीड है 431 किलोमीटर एन आवर. अकॉर्डिंग टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम बुगाटी ने अल्टीमेट एरो को 2010 में पीछे छोड़ दिया था और 2017 तक वर्ल्ड फास्टेस्ट कार बनी रही थी. 0 to 100 इस गाड़ी का रिकॉर्ड रहा था 2.4 सेकंड्स और इसकी कीमत है 15.20 करोड़. Friends, now you also need to fasten your seat belts because we are now at top 3. World's third fastest car is Hennessy Venom GT, जिसे बनाया है Hennessy Performance Engineering Company ने. 2014 से पहले Hennessy के पास शायद ही कभी किसी performance car को modify करने का experience था. Until they launched a Lotus-based sports car with twin-turbo V8 engine with a power of 1200 HP. And in the same year, Hennessy broke the record of top speed of all the cars. It recorded a 435 kilometers an hour speed, and this car is now priced at 9 crore each. And also, this car is completely handmade. And here I'm getting goosebumps. We are at number 2, Koenigsegg Agera RS. इस कार में अगेरा आर और अगेरा एस दोनों ही कार्स के फीचर हैं. दोनों ही कार्स को कोनिग्सेग ने बनाया है. इसका V8 इंजन आता है विद अ पावर ऑफ 1160 हॉर्स पावर. इस कार ने 0 टू 100 की स्पीड को टच करने में सिर्फ 2.9 सेकंड्स का टाइम लगाया था और यही वो कार है जिसने बुगाटी चिरोन का 0 to 400 का रिकॉर्ड बीट किया था विद 5 सेकंड्स. जी हाँ, बुगाटी चिरोन ने जो रिकॉर्ड 41 सेकंड्स में बनाया था वो इस कार ने 36 सेकंड्स में बनाया था. और अब बात करते हैं टॉप स्पीड की. कोनिग्सेग अगेरा आरएस का स्पीड टेस्ट नेवाडा यूएस के एक बंद हाईवे पर हुआ था जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने खुद विटनेस किया था. एंड दे रिकॉर्डेड अ टॉप स्पीड ऑफ 447 किलोमीटर एन आवर. Koenigsegg Agera RS is the car that beat Bugatti Veyron after 7 years. 7 साल तक Bugatti Veyron ने number 1 title पहना हुआ था top speed का, लेकिन उसे beat किया था Koenigsegg Agera RS जो कि आज number 2 पर बनी हुई है. And this car is priced at 19 crore. And now let's talk about the fastest car ever built. The fastest car is Bugatti Chiron Sport 300 Plus. August 2019 mein Bugatti ne is high performance variant ko launch kiya which runs on a quad turbocharged W16 engine aur Bugatti ne iski sirf 30 units hi banayi hai. This car has a high speed record which is reported 490 kilometers an hour. That is 304 miles in 1 hour. That's the speed. 304 miles an hour speed. और यही इकलौती ऐसी कार है जिसने 300 miles an hour का milestone पार किया है. The one and only car that has crossed the milestone of 300 miles an hour. और अब सारे milestones को अचीव करने के बाद, सारे records को तोड़ने के बाद, Bugatti के president श्रीमान Stephen Winkelmann ने decide किया है कि Bugatti अब आगे से records पर ध्यान देने की बजाय गाड़ी के और पहलुओं पर अपना focus करेगा. It is likely कि Bugatti को future में top speed में compete करते हुए शायद ना देखा जाए. Bugatti Chiron Sport 300 Plus fastest car तो है ही, साथ में ही ये सबसे महंगी कार भी है. इसका प्राइस है 28 करोड़ रुपीस. और फ्रेंड्स, 0 टू 100 का जो रिकॉर्ड है बुगाटी चिरोन स्पोर्ट 300 प्लस का वो है 2.1 सेकंड्स. इट ओनली टुक 2.1 सेकंड्स
for this car to get to a speed of 100 kilometers an hour. और इसका price जो है 28 करोड़ rupees. यार मेरे पास तो एक desire है. इतने में तो मैं 350 Swift Desires और 50 Range Rover Evox खरीद सकता हूँ. Range Rover Evox, which is my favorite. Okay. फेवरेट से याद आया, आपको इन टॉप 10 में से कौन सी गाड़ी सबसे अच्छी लगी, प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस अगर आपको हर वीक चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे कि आप कोई भी मेरी वीडियोज को मिस ना करें. थैंक यू सो मच.